आप आप सभी को सभी जय को मसीह की जय स्वागत मसीह किया की जाता है एक स्वागत नए किया वीडियो जाता में। है वीडियो वीडियो को को ध्यान ध्यान से से देख देख लेना लेना और और आपकी आपकी लाइफ लाइफ चेंज चेंज हो हो जाएगी। जाएगी। क्योंकि क्योंकि पराई पराई स्त्री स्त्री के के होठों होठों से से मधुर मधुर टपकता टपकता है है और और उसकी उसकी बातें बातें तेल तेल से से भी भी अधिक अधिक चिकनी चिकनी होती होती हैं। हैं। परंतु परंतु इसका इसका परिणाम परिणाम नागदौना नागदौना सा सा कड़वा कड़वा और और दोधारी दोधारी तलवार तलवार सा सा पहनना पहनना होता होता है। है। उसके उसके पांव पांव मृत्यु मृत्यु की की ओर ओर बढ़ते बढ़ते हैं हैं और और उसके उसके पग पग अधोलोक अधोलोक तक तक पहुंचते पहुंचते हैं। हैं। इसलिए इसलिए उसे उसे जीवन जीवन का का समथर समथर पथ पथ नहीं नहीं मिल मिल पाता पाता है। है। उसके उसके चाल चाल चलन चलन में में चंचलता चंचलता है। है। परंतु परंतु उसे उसे वह वह आप आप नहीं नहीं जानती जानती है। है। इसलिए इसलिए अब अब हे हे मेरे मेरे पुत्रों पुत्रों मेरी मेरी सुनो सुनो और और मेरी मेरी बातों बातों से से मुंह मुंह न न मोड़ो। मोड़ो। ऐसी ऐसी स्त्री स्त्री से से दूर दूर ही ही रहे रहे और और उसकी उसकी डेवढ़ी डेवढ़ी के के पास पास भी भी मत मत जाना। जाना। कहीं कहीं ऐसा ऐसा ना ना हो हो कि कि तू तू अपना अपना ये ये सौरों सौरों के के हाथ हाथ में में और और अपना अपना जीवन जीवन कुरूर्जन कुरूर्जन के के वश वश में में कर कर दे। दे। या या पराई पराई तेरी तेरी कमाई कमाई से से अपना अपना पेट पेट भरे भरे और और परदेशी परदेशी मनुष्य मनुष्य तेरे तेरे परिश्रम परिश्रम का का फल फल अपने अपने घर घर में में रखे। रखे। और और तू तू अपने अपने अंतिम अंतिम दिनों दिनों में में जबकि जबकि तेरा तेरा शरीर शरीर छीण छीण हो हो जाए जाए तब तब यह यह कहकर कहकर हाय हाय मारने मारने लगे। लगे। हे हे मेरे मेरे पुत्र, पुत्र, तू तू अपरिचित अपरिचित स्त्री स्त्री पर पर क्यों क्यों मोहित मोहित हो हो और और पराई पराई स्त्री स्त्री को को क्यों क्यों छाती छाती से से लगाए? लगाए? क्योंकि क्योंकि मनुष्य मनुष्य के के मार्ग मार्ग यहोवा यहोवा की की दृष्टि दृष्टि से से छिपे छिपे नहीं नहीं है है और और वह वह उसके उसके सब सब मार्गों मार्गों पर पर ध्यान ध्यान करता करता है। है। दुष्ट दुष्ट अपने अपने ही ही अधर्म अधर्म के के कामों कामों में में फंसेगा फंसेगा और और अपने अपने ही ही पापों पापों में में बंधन बंधन में में फंसा फंसा हुआ हुआ रहेगा रहेगा और और वह वह शिक्षा शिक्षा प्राप्त प्राप्त किए किए बिना बिना ही ही मर मर जाएगा जाएगा और और अपने अपने ही ही मूर्खता मूर्खता के के कारण कारण भटकता भटकता रहेगा। रहेगा। आज्ञा आज्ञा तो तो दीपक दीपक है है और और शिक्षा शिक्षा ज्योति ज्योति और और सिखाने सिखाने वाली वाली की की डांट डांट जीवन जीवन का का मार्ग मार्ग है। है। क्योंकि क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर जिससे जिससे प्रेम प्रेम करता करता है है उसे उसे डांटता डांटता है है और और ताड़ना ताड़ना भी भी देता देता है है ताकि ताकि तुझको तुझको बुरी बुरी स्त्री स्त्री से से बचाए बचाए और और पराई पराई स्त्री स्त्री की की चुकनी चुकनी चुपड़ी चुपड़ी बातों बातों से से बचाए। बचाए। उसकी उसकी सुंदरता सुंदरता देखकर देखकर अपने अपने मन मन में में उसकी उसकी अभिलाषा अभिलाषा न न कर। कर। वह वह तुझे तुझे अपने अपने कटाज कटाज में में फंसाने फंसाने न न पाए पाए क्योंकि क्योंकि वेश्यागमन वेश्यागमन के के कारण कारण मनुष्य मनुष्य टुकड़ों टुकड़ों का का भिखारी भिखारी हो हो जाता जाता है। है। परंतु परंतु व्यभिचारी व्यभिचारी जीवन जीवन अनमोल अनमोल का का अहर अहर कर कर लेती लेती हैं। हैं। क्या क्या हो हो सकता सकता है है कि कि कोई कोई अपनी अपनी छाती छाती पर पर आग आग रख रख ले ले उसके उसके कपड़े कपड़े ना ना जले? जले? क्या क्या हो हो सकता सकता है है कि कि कोई कोई अंगारे अंगारे पर पर चले चले और और उसके उसके पाँव पाँव ना ना झुलसे? झुलसे? जो जो पराई पराई स्त्री स्त्री के के पास पास जाता जाता है है उसकी उसकी दशा दशा ऐसी ऐसी ही ही है। है। वरन वरन जो जो कुछ कुछ से से छुएगा छुएगा वह वह डंड डंड से से ना ना बचेगा। बचेगा। मैंने मैंने एक एक दिन दिन अपने अपने घर घर की की खिड़की खिड़की से से अर्थात अर्थात अपने अपने झरोके झरोके से से झांका झांका तब तब मैंने मैंने भोले भोले लोगों लोगों में में से से एक एक निर्बुद्धि निर्बुद्धि जवान जवान को को देखा। देखा। वह वह उस उस घर घर के के कोने कोने के के पास पास की की सड़क सड़क पर पर चला चला जाता जाता था था और और उसने उसने अपने अपने घर घर का का मार्ग मार्ग लिया। लिया। उस उस समय समय दिन दिन ढल ढल गया गया और और संध्या संध्या काल काल आ आ गया गया था। था। वह वह रात रात का का घोर घोर अंधकार अंधकार छा छा गया गया था था और और उसने उसने एक एक स्त्री स्त्री मिली मिली जिसका जिसका वेश वेश वेश्या वेश्या का का सा सा था था और और वह वह बड़ी बड़ी धूर्त धूर्त थी। थी। वह वह शांति शांति रहित रहित और और चंचल चंचल थी थी और और अपने अपने घर घर में में ना ना ठहरती ठहरती थी। थी। कभी कभी वह वह सड़क सड़क में में कभी कभी चौक चौक में में पाई पाई जाती जाती थी थी और और एक एक कोने कोने पर पर वह वह बाट बाट झुकती झुकती थी। थी। तब तब वह वह उससे उससे जवान जवान को को पकड़कर पकड़कर चूमा चूमा और और लीलाजता लीलाजता की की चेष्टा चेष्टा करके करके उससे उससे कहा, कहा, मुझे मुझे मेल मेल बलि बलि चढ़ाने चढ़ाने दे दे और और मैंने मैंने अपनी अपनी मन्नतें मन्नतें आज आज ही ही पूरी पूरी की की है। है। इसी इसी कारण कारण मैं मैं तुझसे तुझसे भेंट भेंट करने करने को को निकली निकली हूँ। हूँ। मैं मैं तेरे तेरे दर्शन दर्शन की की खोजी खोजी थी थी सो सो अभी अभी पाया पाया है। है। इसलिए इसलिए अब अब चल चल हम हम प्रेम प्रेम से से भोर 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 तक तक अभी अभी जी जी बहलाते बहलाते रहें। रहें। हम हम परस्पर परस्पर की की रीति रीति से से आनंदित आनंदित रहें रहें क्योंकि क्योंकि मेरा मेरा पति पति घर घर में में नहीं नहीं है। है। वह वह दूर दूर देश देश को को चला चला गया गया है। है। वह वह चांदी चांदी की की थैली थैली ले ले गया गया और और पूर्णमासी पूर्णमासी को को लौट लौट आएगा। आएगा। ऐसी ऐसी ही ही बातें बातें कह कह कहकर कहकर उसने उसने अपने अपने प्रबल प्रबल माया माया में में फंसा फंसा लिया लिया और और वह वह अपनी अपनी चिकनी चिकनी चुपड़ी चुपड़ी बातों बातों से से उसको उसको अपने अपने वश वश में में कर कर लिया। लिया। वह वह तुरंत तुरंत उसके उसके पीछे पीछे हो हो लिया लिया और और जैसे जैसे बैल बैल कसाई कसाई खाने खाने को को वैसे वैसे ही ही बेड़ी बेड़ी पहने पहने हुए हुए कोई कोई मूढ़ मूढ़ ताड़ना ताड़ना पाने पाने को को जाता जाता है। है। अंत अंत में में उस उस जवान जवान का का कलेजा कलेजा तीर तीर से से बेधा बेधा जाएगा। जाएगा। वह वह उस उस चिड़िया चिड़िया के के समान समान है है जो जो फंदे फंदे की की ओर ओर वेग वेग से से उड़े उड़े और और ना ना जानने जानने ना ना जानती जानती हो हो कि कि उसने उसने उसके उसके प्राण प्राण कहाँ कहाँ जाएंगे। जाएंगे। अब अब हे हे मेरे मेरे पुत्रों पुत्रों मेरी मेरी सुनो सुनो और और मेरी मेरी बातों बातों पर पर मन मन लगाओ। लगाओ। तेरा तेरा मन मन ऐसी ऐसी स्त्री स्त्री के के मार्ग मार्ग की की ओर ओर ना ना फिरे फिरे और और उसकी उसकी डगरों डगरों में में भूल भूल कर कर भी भी ना ना जाना। जाना।
और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। जब परमेश्वर चौथी मुहर खोलेगा तब मरी और अकाल और परमेश्वर जानवरों के अंदर एक ऐसी बुद्धि बैठा देगा कि वे मनुष्यों को फाड़ना नोचना शुरू कर देंगे। उस समय परमेश्वर का कहर बरसेगा, कहर इस पृथ्वी पर। और जब उसने पांचवी मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उन प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उन गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का पलटा कब तक न लेगा? और उनमें से एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनमें कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे नाई वध होने को है उनकी भी गिनती पूरी हो ले। और जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि बड़ा भूंडोल हुआ और सूर्य कंबल की नाई काला हो गया और चंद्रमा लहू का सा हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसा बड़ी आंधी के हिल जाने से अंजीर के पेड़ से कच्चे फल झड़ते हैं और आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ अपने और टापू अपने स्थान से टल गया और पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे। और जब परमेश्वर छठवीं मुहर खोलेगा तो क्या होगा, आगे देखते हैं 16वां वचन। और चट्टानों और पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, और उस समय लोग मौत मांगेंगे, मौत नहीं आएगी। और पहाड़ों से और चट्टानों से कहने लगे कि हम पर गिर पड़ो और हमें उसके जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? और चट्टानों और पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, उस समय लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी। पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर गिर पड़ो, हम जीना नहीं चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर के प्रकोप का दिन आ पहुंचा है, अब कौन ठहर सकता है? उस समय मेरे भाइयों और बहनों इस पृथ्वी पर यीशु मसीह का कहर बरसेगा, कहर। अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, इसलिए बचा लो अपने आप को यीशु के कहर से। उस समय इस पृथ्वी पर हाहाकार मचेगा, हाहाकार, सुधर जाओ, अभी आपके पास मौका है, समय आ पहुँचा है। गॉड ब्लेस यू, जय मसीह की, आमीन।